क्लास सेवंथ के चैप्टर थर्ड का क्वेश्चन आंसर देखेंगे। यहाँ बी पॉइंट वन कह रहा है थिंक एंड टेल। थिंक मीन्स होता है सोचिए, टेल मीन्स होता है बोलिए, सोचिए और बोलिए। पॉइंट वन इंस्ट्रक्शन दी गई है, आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चंस ओरली। ओरली जो शब्द है इसका अर्थ है मौखिक रूप से, मतलब नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर लिख के ना देकर बोल कर आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर वन कह रहा है व्हाट डिड अलादीन डू ऑल द डे। अलादीन ऑल द डे मीन्स हो गया पूरे दिन। व्हाट डिड अलादीन डू, अलादीन पूरे दिन क्या करता था। इसका आंसर लिखे हैं ही प्लेड ऑन द रोड्स ऑल द डे, वह सड़कों पर दिन भर खेलता था। फिर सेकेंड नंबर क्वेश्चन है व्हाई वॉज अलादीन हैप्पी, अलादीन खुश क्यों था। इसका आंसर लिखे हैं बिकॉज द मैजिशियन गेव हिम क्लॉथ, अलादीन इसलिए खुश था क्योंकि मैजिशियन जादूगर ने उसे कपड़ा दिया। फिर थर्ड नंबर का आंसर क्या है, थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है व्हेन डिड जीनी अपीयर, जीनी कब अपीयर हुआ। इसका आंसर लिखे हैं व्हेन अलादीन रब्ड हिज फिंगर्स देन जीनी अपीयर, जब अलादीन ने अपनी उंगली को रगड़ा तब जीनी उपस्थित हुआ। आगे बी पॉइंट टू कह रहा है थिंक एंड राइट, सोचिए और लिखिए। क्वेश्चन नंबर वन है इसका राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। इसका हिंदी कह रहा है कि फॉल्स स्टेटमेंट, यदि स्टेटमेंट गलत है तो उस सेंटेंस के आगे एफ लिखना है, यदि स्टेटमेंट ट्रू है मीन्स सही है तो उसके आगे हमें टी लिखना है। क्वेश्चन नंबर ए है अलादीन लिव्ड विथ हिज फादर, अलादीन अपने पिता के साथ रहता था, लेकिन कहानी में बताया है अलादीन अपनी माँ के साथ रहता है, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है इसलिए एफ लिखेंगे। फिर बी नंबर कह रहा है द विजार्ड वॉज अलादीन अंकल, विजार्ड मीन्स होता है जादूगर, जादूगर अलादीन के चाचा थे लेकिन कहानी के हिसाब से उसके चाचा ओरिजिनली नहीं थे इसलिए लिखेंगे फॉल्स। थर्ड क्वेश्चन है द विजार्ड वॉज फ्रॉम चाइना, जादूगर चाइना से आया था लेकिन कहानी के हिसाब से वह अफ्रीका से आया था इसलिए यह गलत स्टेटमेंट है, एफ लिखेंगे। फिर डी नंबर क्वेश्चन है अलादीन वॉज लेजी, अलादीन आलसी था एंड डिड नॉट वर्क, और काम नहीं करता था, यह सही कथन है इसलिए टी लिखेंगे, टी फॉर ट्रू। फिर ई नंबर क्वेश्चन है द विजार्ड बॉट अलादीन ए वॉच, विजार्ड जो था जादूगर उसने अलादीन को एक वॉच खरीद दिया लेकिन अलादीन को कहानी में कपड़ा खरीदने की बात की गई है इसलिए यह गलत है इसलिए फॉल्स लिखेंगे। आगे बी पॉइंट टू पॉइंट टू कह रहा है टिक राइट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, अप्रोप्रिएट ऑप्शन मीन्स हो गया वह ऑप्शन जो सबसे ज्यादा सटीक हो उस पर हमें सही का निशान लगाना है। फॉर ईच ऑफ द फ्लोइंग क्वेश्चन, प्रत्येक नीचे दिए गए क्वेश्चन के लिए यही करना है। क्वेश्चन नंबर वन क्या कहता है व्हाई डिड द विजार्ड मेक अ फायर, जादूगर आग क्यों लगाता है। बिकॉज इट वॉज कोल्ड, क्योंकि ठंड बहुत था। बिकॉज ही वॉज टायर्ड, क्योंकि वह थक गया था। बिकॉज ही वॉन्टेड टू कास्ट ए स्पेल, क्योंकि वह जादू करना चाहता था। बिकॉज ही वॉन्टेड टू कुक फूड, क्योंकि वह खाना पकाना चाहता था। तो ये तीनों ऑप्शन गलत है, उसे जादू करना था इसलिए उसने आग लगवाया, सी नंबर ऑप्शन सही होगा। आगे सेकेंड नंबर क्वेश्चन है व्हाट डिड द विजार्ड वांट अलादीन टू गेट फ्रॉम अंडर द स्टोन, अंडर द स्टोन का मतलब वह पत्थर के अंदर से, गेट मतलब पाना, विजार्ड मीन्स जादूगर, जादूगर क्या पाना चाहता था फ्रॉम अंडर द स्टोन पत्थर के अंदर से, किससे चाहता था तो फ्रॉम अलादीन, अलादीन से पत्थर के अंदर से क्या पाना चाहता था जादूगर, तो पत्थर चाहता था नहीं, ज्वेलरी चाहता था नहीं, रिंग चाहता था नहीं, उसे एक लैंप चाहिए था, लैंप सही होगा। आगे बी पॉइंट टू पॉइंट थ्री कह रहा है ईच आंसर ईच ऑफ द फ्लोइंग क्वेश्चंस इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स, नीचे दी गई प्रत्येक क्वेश्चंस में से 50 शब्द से ज्यादा में आंसर नहीं देना है। क्वेश्चन नंबर वन क्या कह रहा है द विजार्ड कास्ट अ स्पेल ट्वाइस इन द स्टोरी, जादूगर ने कहानी में दो बार जादू किया। वाट हैपन इस टाइम, और हर एक समय क्या हुआ उसी को लिखना है, ध्यान रखना है कि जो आंसर है 50 शब्द से ज्यादा में नहीं जाए। द विजार्ड कास्ट ए स्पेल ट्वाइस इन द स्टोरी, कहानी में लेक विजार्ड मीन्स होता है जादूगर, जादूगर ने दो बार जादू किया। एट फर्स्ट पहली बार क्या हुआ द ग्राउंड सुक, धरती हिल गई।
एंड बिकेम ए बिग होल, और उसमें एक बड़ा सा छिद्र हो गया, गड्ढा हो गया। एंड और एट सेकेंड टाइम, और दूसरी बार क्या हुआ, द बिग होल वॉज कवर्ड, दूसरी बार जादू करने पर वह बड़ा गड्ढा ढका गया। एंड अलादीन वॉज, लिखेंगे यहाँ अलादीन वॉज स्टक इन द होल, उस गड्ढे में अलादीन फंस गया। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है, वाई डिड द विजार्ड गेट एंग्री विथ अलादीन, अलादीन से जादूगर गुस्सा क्यों हो गया। इसका आंसर लिखे हैं, अलादीन वॉज कमिंग आउट विथ द लैम्प डेट नीडेड द विजार्ड, अलादीन उस लैम्प के साथ बाहर आ रहा था जो उस विजार्ड मीन्स जादूगर को चाहिए था। बट लेकिन द लैम्प वॉज हिडन इन हिज शर्ट, लेकिन वह जो लैम्प था उसके शर्ट में छिपा हुआ था। एंड कवर्ड विथ ज्वेलर्स, और ज्वेलरी से कवर था वह। अलादीन वॉज नॉट एबल टू गिव द लैम्प, अलादीन वह लैम्प निकाल कर देने में सक्षम नहीं था। सो द विजार्ड बिकेम एंग्री विद द अलादीन, इसलिए जादूगर अलादीन से नाराज हुआ, गुस्सा हुआ। थर्ड क्वेश्चन कहता है, हाउ वॉज अलादीन एबल टू कम आउट ऑफ द बिग होल, उस बड़े गड्ढे से अलादीन बाहर निकलने में कैसे सक्षम हो पाया। इसका आंसर लिखे हैं, अलादीन रब्ड हिज फिंगर्स इन विच ही वॉज वेयरिंग द मैजिकल रिंग, अलादीन उस उंगली को रगड़ा जिस उंगली में उसने जादुई अंगूठी पहन रखा था। सो इसलिए देयर अपीयर्ड अ जीनी, इसलिए वहाँ पर एक जीनी उपस्थित हो गया। एंड द जीनी हेल्प्ड हिम टू कम आउट ऑफ द बिग होल, और वह जीनी उसे बड़े गड्ढे से निकलने में मदद किया। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है, द विजार्ड हैड टोल्ड अलादीन, विजार्ड ने अलादीन को कह रखा था डैट कि ही वॉज हिज अंकल, वह उसका अंकल है। बट लेकिन दिस वॉज नॉट ट्रू, यह सच नहीं था। वाई डू यू थिंक, आपको क्या लगता है, द विजार्ड वह जो जादूगर था लाइड टू अलादीन, अलादीन से झूठ कहा, एंड हिज मदर और उसकी माँ से भी झूठ कहा। इसका आंसर लिखे हैं, आई थिंक, मुझे लगता है, द विजार्ड वॉन्टेड टू गेट लैम्प, विजार्ड वह लैम्प चाहता था, द लैम्प लिखेंगे यहाँ। सो इसलिए ही लाइड टू अलादीन, इसलिए वह अलादीन से झूठ बोला, एंड हिज मदर और उसकी माँ से भी झूठ बोला, टू फुलफिल हिज विशेज, ताकि वह अपनी इच्छा को पूरा कर सके। आगे कुछ वर्ड्स दी हुई है जिसमें हमें एडजेक्टिव को एडवर्ब में बदलना है, और इन सभी में एल वाई जोड़ कर एडवर्ब में बदलना है। तो हम इसे लिख देते हैं, इन सभी को इस तरह से लिखना है, हैप्पीली, क्वाइटली, ब्रेवली, सीक्रेटली, प्रॉपरली, जेंटली, सभी में एल वाई जोड़कर लिखना है। ये कुछ और वर्ड्स दी हुई है जिसमें हमें लास्ट में वाई जोड़कर नया वर्ड बनाना है, जैसे ड्रीम को ड्रीमी, तो इसका हम बनाए ड्रीमी, हेयरी, स्टॉर्मी, नीडी, पोनी, क्रंची। आगे हमें कुछ क्वेश्चंस दी गई है जिसमें हैज प्रोमिस्ड टू को चेंज करके सेल में चेंज करना है, मीन्स क्या हुआ, जहाँ प्रोमिसेस प्रोमिस टू लिखा रहेगा ना, इसको हम सेल में चेंज करेंगे। जैसे देखिए, ही प्रोमिसेस टू हेल्प मी, इसको लिखेंगे ही सेल हेल्प मी, यहाँ से यहाँ तक हटाएंगे, सेल में चेंज करेंगे, उसके बाद वर्ब वन लेंगे और मी, ही सेल हेल्प मी, यहाँ से यहाँ तक चेंज करके सेल लिख दिए, बाकी हेल्प मी था तो हेल्प मी लिख दिए। एज इट इज हम इन तीनों सेंटेंस के साथ करेंगे, जैसे इसका लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, इसका लिखे सी सेल रिकंसिडर द मैटर, और सब के साथ में आपको सेल ही लगाना है, सिर्फ आई और वी के साथ विल लगा देना है, लेकिन वो है नहीं, इसलिए आप सबके साथ सेल लगाइए। फिर यहाँ क्या है, दे हैव प्रोमिस्ड टू इन्वाइट द चीफ मिनिस्टर, तो इसको लिखेंगे दे सेल इन्वाइट द चीफ मिनिस्टर। फिर आगे ई नंबर क्वेश्चन है, द हेडमास्टर प्रोमिसेस टू इम्प्रूव स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, इसको बनाएंगे द हेडमास्टर सेल इम्प्रूव स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, हो गया। कह रहा है लेट्स टॉक, चलिए बातचीत करते हैं, वर्क इन पेयर्स, और जोड़े में काम करना है, टेल योर पार्टनर व्हाट मेक्स दिस स्टोरी इंटरेस्टिंग टू यू, आप अपने पार्टनर को, पढ़ने वाले साथी को बताना है आपको कि यह कहानी आपको इंटरेस्टिंग किस लिए लगा, क्या था इंटरेस्टिंग कहानी में, वो आप बात कर लीजिएगा। और यह कंपोजिशन मीन्स होता है लिखना, आपको लिखना है, लेट अस अज्यूम दैट द स्टोरी ऑफ अलादीन हैज नॉट एंडेड येट, कहा कि मान लीजिए कि यह जो अलादीन का कहानी था ना, यह अभी खत्म नहीं हुआ है, कंटिन्यू द स्टोरी टू योर लाइकिंग एंड गिव इट अ डिफरेंट एंड इन अबाउट 5 sentences, कहा कि इस कहानी को कंटिन्यू रखिए, जिसे आप पसंद करते हैं उसे सुनाइए और एक अलग तरीके से कहानी का अंत कीजिए।
तो कहानी का अंत हम कुछ इस तरह से कर रहे हैं। यहाँ लिखे, When Aladdin was at home, जब अलादीन घर पर था, with the magical ring, उस जादुई रिंग के साथ, he demanded many things, तो उसने उससे बहुत सारा चीज मंगाया, from the genie, उस जीनी से, and और his mother and he, और उसकी माँ और वह खुद, both were happy, दोनों खुश हो गए, and living a happy ब्यूटिफुल लाइफ, और एक सुंदर सा जीवन व्यतीत करने लगे। आगे कह रहा है, इफ यू वियर गिवेन ए रिंग, अगर आपको एक रिंग दिया जाता, विच कैन ग्रांट योर विशेस, जो आपकी विशेस इच्छाओं को पूरी कर सके, व्हाट वुड यू विश फॉर, तो आप क्या मांगते, लिस्ट योर विशेस हियर, आप जो भी मांगते हैं यहाँ लिस्ट में लिखिए। तो इसका आंसर लिखे हैं, आई वुड आस्क हिम, मैं उससे मांगता, टू मेक माई फैमिली हैप्पी, मेरी परिवार को खुश कर दीजिए, एंड मेक हैप्पी एंड वेल्दी, और हमारे परिवार को स्वस्थ रखिए और धनी रखिए। आगे ट्रांसलेशन कह रहा है, ट्रांसलेट द पैसेज इनटू हिंदी, नीचे दिए गए पैसेज को हिंदी में ट्रांसलेट करना है। लॉन्ग लॉन्ग अगो इन अरबिया, अरब में बहुत पहले की बात है, देयर लिव्ड ए पुअर बॉय, एक गरीब लड़का रहता था, हुज नेम वाज अलादीन, जिसका नाम अलादीन था, ही लिव्ड इन ए स्मॉल हाउस, वह एक छोटा सा घर में रहता था, विथ हिज मदर, अपनी माँ के साथ रहता था, ही वॉज लेजी एंड डिड नॉट लाइक टू वर्क एट ऑल, वह बिल्कुल आलसी था और कुछ भी काम नहीं करना चाहता था, ही यूज्ड टू स्पेंड हिज टाइम प्लेइंग इन द स्ट्रीट विथ अदर बॉयज, वह सड़कों पर अन्य लड़कों के साथ खेलने में अपना समय बर्बाद करता था। तो वही पॉइंट्स को हमने यहाँ लिख दिया है, आपको पॉज करके इसे लिख लेना है। वैसे एक्टिविटी तो हम पढ़ते हैं नहीं, लेकिन ड्रॉ द पिक्चर ऑफ अ लैम्प इन द बॉक्स बिलो एंड नेम इट्स पास्ट, यहाँ पर यह बॉक्स दिया गया है जिसमें एक लैम्प का पिक्चर बनाकर इसके अलग अलग पार्ट्स का नाम लिखना है। यह आपका एक्टिविटी है, क्लास में कराया जाएगा। तो वीडियो यही हो जाता है समाप्त। अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं तो कमेंट में करके बताइए।